आगामी पांच दिवस समग्र गुजरात में वरसाद की आगाही कर आज सौराष्ट्र और कच्छ में भारी वरसाद रहेशे। आवतीकाल थी राज्य में अत्यंत भारी वरसाद की आगाही कर 7 जुलाई समग्र राज्य में अत्यंत भारी वरसाद रहेशे। दक्षिण गुजरात में सौथी वधु भारी वरसाद की आगाही कर अमदावाद में 7 जुलाई थी भारी वरसाद की आगाही कराई। दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र में अत्यंत भारी वरसाद की आगाही कर अगले 5 दिन में पूरे गुजरात में बारिश होने का संभावना है। इवन सौराष्ट्र कच्छ में लाइट टू मॉडरेट रेन मोस्टली रहेगा, लेकिन भारी से अति भारी इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। आज आइसोलेटेड प्लेसेस में भारी बारिश हो सकता है और कल से अति भारी बारिश एक्सट्रीम साउथ गुजरात रीजन में हो सकता है। परसों यानी 7 तारीख और 8 तारीख 7th और 8th जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होने का संभावना है। एंटायर गुजरात स्टेट में बारिश रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन भारी से अति भारी बारिश हो सकता है। इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन पर भी कहीं कहीं जगहों में होने का संभावना है। जैसे मोस्टली जो रेनफॉल ज़्यादा रेनफॉल साउथ गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र में रहेगा 7 तारीख को 8 तारीख को रेनफॉल बेल्ट शिफ्ट रहेगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात इवन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सौराष्ट्र कच्छ में भी भारी से अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। अभी सिस्टम डेवलप हो रहा है, होने का संभावना है। मतलब 7 तारीख तक ईस्ट वेस्ट सियर्जन डेवलप होने का संभावना है गुजरात का पास, तो इसलिए एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकता है। सारे ऑल 5 डेज के लिए वार्निंग दिया गया है। फिशरमैन वार्निंग डे 3 यानी 7th, 8th, 9th तक रहेगा। अहमदाबाद में भी भारी बारिश हो सकता है, भारी बारिश होने का संभावना आज नहीं है, आज और कल नहीं है, लेकिन परसों से है। टोटल अभी तक की बारिश कितनी हो चुकी है, कुछ फिगर अभी जो पूरे गुजरात में चल रहा है अभी एक्सेस में चल रहा है, more than 100% रेनफॉल हुआ है। और देखा जाए तो सौराष्ट्र कच्छ में 65% ऑफ सीजनल रेन जितना होना चाहिए उससे 65% हो चुका है। इवन गुजरात रीजन में भी काफ़ी अच्छा खासा रेन हुआ है, लगभग 15-20% रेन हो चुका है सीजनल रेन से, 20%